करतारपुर में, करतारपुर फर्स्ट टाइम आना होगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान जैसे फर्स्ट टाइम आए हैं तो करतारपुर में भी आज फर्स्ट टाइम हमारा विजिट है और बहुत ही खूबसूरत विजिट रहा, मेमोरेबल विजिट रहा। आज हम यहाँ पर रुकेंगे भी रात को, सब लोग यहाँ पर स्टे भी है, तो जो यहाँ की खूबसूरती है जो बनाई गई है, स्नान घर से लेकर लंगर हॉल या इवन जो गुरुद्वारा के अंदर है, हर चीज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है। तो पूरा एक्सपीरियंस जो 10 दिन का रहा, ये अपने आप में कहते हैं ना, हमने पूरा दुनिया घूमी है, हम लोग बहुत घूमते हैं। तो पाकिस्तान पहली बार आए हैं, पर चाहे हम जब मुझे आइडिया हो गया था। अच्छा कैसे? तो जैसे कि अब US बच्चे जाते रहते हैं, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लाइक सो मेनी कंट्रीज, बट जो ये एक्सपीरियंस है ऐसा कहीं नहीं मिला हमारे को। बहुत ही प्यारा, सब लोग बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना, बहुत ही सपोर्टिव। हम दो अकेले आए हैं, हमारे हस्बैंड और बेटा अभी इंडिया में ही है, पर हर चीज़, खाना पीना, रहना घूमना, हर चीज़ के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वी आर एट होम, अपने घर वाली बात है बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी तक हम ननकाना साहब से स्टार्ट हुआ हमारा टूर, फिर हम गए पंजा साहब, फिर हम गए अभी डेरा साहब गुरुद्वारे से आ रहे हैं, करतारपुर में आ रहे हैं, सच्चा सौदा बीच में गए, तो हर जगह पे ऐसा लगा कि जैसे एवरीथिंग इज सो हाईली वेल मैनेज, वेल अरेंज, और हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। स्पेशली जो लेडीज पिलग्रिम आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी पूरा उतना ही मतलब सिक्योर और वेल अरेंज पूरा इन्वायरमेंट मिला है। सो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज अरेंज्ड ऑल दिस टूर, आई एम सो थैंकफुल। अच्छा, एक तो ये आपका गुरुद्वारों का टूर हो गया पूरे ग्रुप के साथ, कॉन्वॉय के साथ, उसके अलावा आप खुद इंडिविजुअली, मैंने देखा है, खुद से भी घूम रही थी, तो कहाँ कहाँ जाना हुआ? हम पकड़े गए कल रिक्शे पे। बिल्कुल जी, हमने आपको पकड़ लिया था। तो कहाँ कि हमें बिल्कुल कहते हैं ना, लाहौर नहीं देखा था तो उसे जमे ही नहीं, तो हमने कहा हमने आज जन्म लेना है, तो हम दोनों निकले। चले बताइए, वाकई ऐसा है? देखिए हाँ बिल्कुल, अब हमने सुना था तो हमने कहा हम खुद ही ढूंढते हैं इसका इसका राज क्या है। तो हम फूड स्ट्रीट से हमने शुरू किया, हमने खूब परांठे खाए वहाँ पर, फिर हम हवेली जैसे बहुत सारी जगहें हैं वहाँ पर ना, फिर हम जूतियों वाली मार्केट गए, अनारकली मार्केट गए, तो हमने कहा हमें बिल्कुल ग्राउंडेड वे में लाहौर देखना है। तो हम हर मार्केट में, छोटी छोटी गलियों में भी घुसे और शॉपिंग करी, खूब सारी चुनियाँ खरीदी, सूट खरीदे, मेवे खरीदे, तो और बहुत मज़ा आया। तो मतलब देखिए, आप चाहे ट्रिप में हो चाहे ना हो, बाहर भी रहेंगे, हर जगह सेम है, सब लोग बहुत हेल्पिंग है, बहुत इज्जत देते हैं। मैंने एक चीज़ नोट करी है, ना सिर्फ भाषा बहुत तहजीब वाली है, लोगों में भी बहुत तहजीब है और बहुत ही प्यार से बात करते हैं, और आपको कहीं पे भी कुछ भी मुश्किलात होते हैं तो वो पूरा बढ़ के हेल्प करने आते हैं। तो बहुत मतलब लेडीज़ के लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब मस्ट कम कंट्री, बहुत ही अच्छी कंट्री है। और हमारे बहुत हम दोनों अकेली आई हैं और अकेली घूमी है बहुत सारा, और हमें बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छे अच्छे हालात थे आसपास। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट हुआ कि किसी ने आपकी कोई आपको ज़रूरत पड़ी हो और किसी ने आपकी हेल्प की हो? हाँ, मेरे गला ख़राब हो गया क्योंकि स्मॉग थोड़ा सा रहता है ना, दिल्ली में भी रहता है, तो अब मेडिकल्स में बहुत अच्छी हेल्प हुई है। अब जैसे हमारे को बसेस में हेल्प आने जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन, तो स्पेशली टैक्सी का अरेंजमेंट करा दिया। जैसे हम लोग अभी पहले आ गए हैं, जत्था भाभी पीछे आ रहे हैं हमारे, तो उन्होंने कहा पहले टैक्सी करके चले जाएँ, तो एंट्री सब कुछ हमारा वेल अरेंज करा दिया जो वहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे। कमरे का जैसे हमारे को, जैसे इतना बड़ा 3,000 लोगों का ग्रुप आता है, तो कई बार रूम में जरूरी नहीं कि आपको अटैच टॉयलेट्स मिलें, पर अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बेशक वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके अरेंज करवा देते हैं। खाने पीने में भी अगर हमारे को लगा कि हमने नहीं, आज हमें परांठा खाने का मन कर रहा है, तो हमें बाहर जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। तो हर चीज़ के अंदर आपको बढ़ चढ़ के हेल्प मिलती है। अगर आप देखिए, अगर आप हेल्प मांगेंगे तो ज़रूर हेल्प मिलेगी, अगर आप कंप्लेंट्स ढूंढेंगे या ना शुक्रे होंगे तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो हमारे को तो बहुत ही अच्छा मिला सब कुछ यहाँ पर, और हर कोई बहुत हेल्पिंग रहा। एनी जी, आप कैसी हैं? आपसे मिलके बहुत खुश हुई, आपकी शक्ल अब हमें याद हो गई है, इतनी बार हम मिली हैं। हाँ जी, सो अच्छा, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप खड़ी रहिए ना, आपसे नहीं, आपसे अभी बातचीत होगी। हाँ, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपसे डिस्कशन होती रहेगी। अच्छा, आप कह रही थी? हाँ जी, सो जैसे मॉम ने भी शेयर किया, सो बहुत ही अच्छे रहे, मतलब वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर श्योर जो लास्ट 10 दिन रहे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे किसी गुरुद्वारों में ऐसे स्टे नहीं किया है। एक दो दिन जाओ समय 10 डेज तक आज तक नहीं किए, तो फॉर एक दो दिन गुरुद्वारों में तो कभी स्टे नहीं किया हमने। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड दैट टू एक नए कंट्री में आके करना, तो वहाँ पे एंड जहाँ पे मतलब सब चीज़ें ही नहीं है, फ्रॉम द फ़ोन नेटवर्क से लेके, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो होस्ट है वो कितना सपोर्ट करेंगे, उसी से आपका भी कम्फर्ट थ्रू आउट द 10 डेज डिपेंड करेगा।
तो आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओनली ननकाना साहब में भी जैसे जो हमें रूम मिला था वहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस बिल्डिंग को, तो दे वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड यू नो कुछ भी चाहिए होता था तो वो खुद जाके ले आते थे. सो इट्स बिन वेरी इट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस बिकॉज गुरुद्वारे जब हम आते हैं तो हम अपनी टू कनेक्ट विद द वन उसके लिए आते हैं, है ना. तो मगर वो तभी हो सकता है अगर आपकी बेसिक चीज़ें आर टेकन केयर ऑफ. सो इन विच आई थिंक जितना बेस्ट कर सकते थे आप, मतलब 3,000 लोगों के लिए, सो वो सब कुछ अरेंजमेंट्स की गई थी.